तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आप जोमेटो पर अपने रेस्टोरेंट को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट हुआ था, लेकिन इसको हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग में कर दिया है। अब यह रेस्टोरेंट भी यहाँ पे एक से दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा यहाँ पे एक और न्यू रेस्टोरेंट आया है, तो आज हम यहाँ पे उसका ऑनबोर्डिंग करने वाले हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट का ऑनबोर्डिंग करना चाहते हैं जोमेटो पे और स्विगी पे, तो आप यहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप यहाँ पे चाहे तो इस पर डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे खुद से करते हैं तो यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट होने का चांस रहता है। 90% लोगों का रेस्टोरेंट यहाँ पे रिजेक्ट हो ही जाता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था, वो भी किसी का रेस्टोरेंट रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद मेरे पास आया है। और यहाँ पर एकदम हम बिल्कुल फ्रेश ऑनबोर्डिंग करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश ऑनबोर्डिंग करते हैं, तो आपका यहाँ पर स्विगी हम 4 से 5 घंटे में स्टार्ट कर देते हैं, और जोमेटो में आपको यहाँ पर 1 से 2 दिन में आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आपने पसंद करना क्या है, आपको यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन करके यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट का नेम, रेस्टोरेंट का एड्रेस, रेस्टोरेंट का लोकेशन, और उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको यहाँ पर सब कुछ फिल करना होगा। पहले पेज में आपको यहाँ पर ऑनर का फुल नेम भी आपको यहाँ पर देना है। तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ ऐसे फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे खाली फूड लाइसेंस आपको भेजना है, और अगर आपके पास यहाँ पे फूड लाइसेंस है, मेन्यू कार्ड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मेन्यू कार्ड ही बना देते हैं। आपको केवल ओनली फूड लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर भेजना है, और इसके बाद आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपका क्लाउड किचन नहीं है, रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ पर बोथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अभी हम जो कर रहे हैं यहाँ पर केवल क्लाउड किचन है, तो यहाँ पर केवल डिलीवरी पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो भी कैटेगरी है रेस्टोरेंट का या फिर क्लाउड किचन का, उसमें से आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे देख लेना, आप यहाँ पे अपने किचन में या फिर अपने रेस्टोरेंट में क्या चीज़ को बनाते हैं, उसको आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। तो आपके यहाँ पे 2 ही ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट करने का, आप 2 से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लिया है, एक चाइनीज़ और एक बर्गर। और इसके बाद आपको यहाँ फिर से नीचे आना है, और यहाँ पर आपको टाइमिंग देना होगा कि आप यहाँ पर कितने बजे अपने रेस्टोरेंट को ओपन करेंगे और कितने बजे आपका यहाँ पर रेस्टोरेंट क्लोज होगा। तो आपको यहाँ पे ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम आपको दोनों देना होगा। और इसके बाद आपको नीचे में आया जाता है ओपनिंग डेज, तो आप यहाँ पे मतलब जो 7ों दिन होता है आपको 7ों दिन खोलना है, तो आप यहाँ पे ऑल डेज को सेलेक्ट करके रख लेना। और इतना करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट का इमेज आप नहीं देंगे तो भी चलेगा कि हमारे यहाँ पर क्लाउड किचन है। और फूड इमेज आपको यहाँ पर एक फूड का इमेज देना होगा, तो हम यहाँ पर एक फूड का इमेज अपलोड कर देते हैं। और फूड का इमेज देने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि नीचे में आना है, और अगर आपके पास मान लीजिए कि आपका रेस्टोरेंट चालू हो चुका है और आपको यहाँ पे अगर इमेज वगैरह अपलोड करना है अपने रेस्टोरेंट का, तो आप उसके लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एकदम प्रोफेशनल हाई क्वालिटी का इमेज हम लोग यहाँ पे अपलोड करके आपको देते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला स्टेप कम्प्लीट हुआ है, और इसके बाद आपको दूसरे स्टेप में आपको ये 6 डॉक्यूमेंट्स लेकर के बैठना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर GST नहीं है और पैन कार्ड मतलब मेनू कार्ड नहीं है रेस्टोरेंट का, तो भी आपको विदाउट GST का और विदाउट मेनू कार्ड का हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नो पहले नहीं देना है, और यहाँ पे आपको इसी वाला ऑप्शन को दोनों को सेम ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपका आता है ऑनलाइन ऑर्डरिंग मेनू, तो अब आपको यहाँ पे मेनू कार्ड अपलोड करना होगा। तो मेनू कार्ड हम लोग यहाँ पे खुद से बना लेते हैं, और अगर पास यहाँ पे है मेनू कार्ड तो सही रहता है, नहीं तो अगर मेनू कार्ड नहीं है तो फिर यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेनू कार्ड अगर आप बना करके भेजते हैं तो ज़्यादा जल्दी आपका रेस्टोरेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मेनू अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप दूसरा नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सेम नंबर रख सकते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में दिया था। तो हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया है, और फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो सबसे मेन ऑप्शन होता है यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, वो हमारा यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, पैन नंबर पे जिसका नाम है, पैन नंबर पे जो एड्रेस है, फिर उसके बाद पैन का इमेज, उसके बाद आपको यहाँ पे GST नंबर, GST सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा आपको। और अगर आपके पास यहाँ पे GST नहीं है तो GST के बिना भी हम लोग कर देते हैं। आपको यहाँ पे फूड लाइसेंस का नंबर डालना होगा, फूड लाइसेंस का एक्सपायरी डेट डालना होगा, और आपको यहाँ पर फूड लाइसेंस अपलोड भी करना होगा। तो इतना सारा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना होता है, और नीचे में आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालना होता है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFSC कोड, अकाउंट टाइप आपका सेविंग है कि करेंट है। और इसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही व्यू अकाउंट डिटेल पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपके अकाउंट में 1 रुपया जोमेटो की तरफ से जमा कर दिया जाएगा। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम पहले यहाँ पे सब कुछ अच्छे से फिलअप कर लेते हैं, और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपके सामने यहाँ पे
एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको मोबाइल ऐप का डेस्कटॉप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली मोबाइल सेलेक्ट करके यस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मोबाइल से ऑर्डर वगैरह मैनेज करेंगे। अगर आप चाहे तो कंप्यूटर से अगर ऑर्डर वगैरह मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मोबाइल, आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पे मोबाइल से ही सब कुछ संभाल सकते हैं। 90% लोग मोबाइल से ही जोमेटो का ऐप संभालते हैं। तो हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया है, अब आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपके एरिया में प्लान वगैरह होता है जोमेटो का, जितना आपको वहाँ पे कमीशन लगेगा आपको यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। तो जोमेटो में अलग अलग एरिया में अलग अलग कमीशन लगता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरीके से यहाँ पर कमीशन वगैरह मिलेगा। और आप यहाँ पर इसको बढ़ भी सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितना परसेंट कमीशन लगने वाला है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो नंबर दे रखा है उसी नंबर पर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने का लिंक जाएगा, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होता है। फिर उसके बाद आपको OTP डाल के लॉगिन करना होता है। और उसके बाद आपको वहाँ पे अपना पैन नंबर डालना होगा, पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा, एक डिजिटल सिग्नेचर करना होगा, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सब कुछ करना होता है। अगर आप यहाँ पे हमारे थ्रू कराते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज देना है और आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट चालू हो जाएगा। आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने का झंझट आपको नहीं होगा, कहीं भी आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया है और यह रेस्टोरेंट भी यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 बार रिजेक्ट हो चुका है। तो जितना रेस्टोरेंट मेरे पास आता है वो सब यहाँ पे रिजेक्ट होकर के आता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका रेस्टोरेंट यहाँ पे रिजेक्ट ना हो, क्योंकि रिजेक्ट होने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी तो आपको हो सकता है कि नया फूड लाइसेंस ही बनवाना पड़ जाएगा, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना चाहिए। और आप यहाँ पर नंबर डिस्प्ले पर दिया हुआ है, आप इस पर चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करने से बात कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर फूड लाइसेंस नहीं है तो भी हम यहाँ पर सबसे पहले आपका फूड लाइसेंस अप्लाई करेंगे, और जैसे आपका फूड लाइसेंस आ जाएगा वैसे ही एक दिन में आपका जोमेटो और स्विगी दोनों स्टार्ट कर देते हैं हम लोग।